आकार बहुत छोटा है, अर्थ बहुत बड़ा है। कुछ कविताएं इसलिए अच्छी लगती हैं मुझे, इसलिए अच्छी लगने लगी कि लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी। अब जिसमें एक कविता ये है शिशु, अब वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। एक कविता हालांकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो शिशु, मुझे ज़्यादातर अपनी कविताएं अच्छी लगती हैं, उन्हीं को मैं अपनी किताब में लाता हूँ। और मेरी किताब में आप देखेंगे मेरी कविताएं बहुत कम, 84 साल की उम्र होने तक मेरे पास 2 ही संग्रह हैं कुल, जबकि मेरी उम्र के लोगों के पास कम से कम 40-50 संग्रह होते हैं। आज तो 25-30 साल की उम्र में जो लोग हैं उनके 5-5, 10-10 संग्रह हैं। तो मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ इसको लेकर के, इसलिए मुझे ज़्यादातर कविताएँ अपनी पसंद हैं। अब ये एक कविता है जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन इस बारिश में। एक किसानों के बारे में जिस तरह से हमारी सरकार और पूंजीपति लोग काम कर रहे हैं कि किसानों से बाकी तो उनके पास कुछ है नहीं सिवाय मेहनत करते हैं और उनको जीवन जीने भर का पैसा नहीं मिलता, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, तो ऐसी मुसीबत में रहने के बाद उनके पास सिर्फ ज़मीन है जी। वो ज़मीन भी ले लेना चाहते हैं। इस समय हिंदुस्तान में तमाम सारी चीज़ें बिकाऊ हैं, सड़कें, पुल, नदियाँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज़ बिक रही। ऐसे समय देखा गया कि जब सब चीज़ें बिक जाएंगी तो क्या बचेगा, तो ज़मीन बहुत है हिंदुस्तान में अभी, तो फिर ज़मीन के ऊपर नज़र है। और ज़मीन कैसे बिना पैसे के मिल जाए, ज़मीन तो कितना अच्छा है कि वो मज़दूर की तरह काम करता रहे, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो मालिक होकर के आपके मज़दूर की तरह काम करेगा, आपकी फसल, आप जो फसल चाहते हैं वो फसल उगाएगा, और जो रेट आप देना चाहेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाएगा। यानी ज़मीन खरीदनी भी नहीं पड़ी और ज़मीन आपकी हो गई, कितने मज़े की बात है। तो किसानों की ज़मीन के बारे में वो एक कविता है इस बारिश में जी, हाँ। वो कविता मुझे अच्छी लगती है, शिशु कविता मुझे अच्छी लगती है, सुनो चारुशीला कविता मुझे अच्छी लगती है, और लोगों को बहुत अच्छी लगती है वो कविता पार, वो इसलिए मुझे अच्छी लगने लगी बहुत वो इतने लोगों को अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये वो कविताएँ छोटी हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, तो शिशु पढ़ देता हूँ मैं। शिशु, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा अभी वो अर्थ समझता है, समझता है सबकी मुस्कान सभी की अल्ले ले ले ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है, समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। सर एक दो सवाल और हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ बताइए। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसका हिंदी के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिंदी पढ़ ही कौन रहा है, इंग्लिश मीडियम अंग्रेज़ों ने इसलिए शुरू किया था कि उनको अपने कामकाज करने के लिए बाबू लोग चाहिए थे, क्लर्क चाहिए थे इस देश पर शासन करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश उनकी मातृभाषा थी और अंग्रेज़ी में ही वो काम करते थे, तो उनको कुछ अपने दफ्तर के लिए
कुछ चपरासी, कुछ टाइपिस्ट, कुछ क्लर्क, कुछ बाबू लोग चाहिए थे, तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ानी यहाँ शुरू कर दी। लेकिन जो अंग्रेज़ों के दफ्तर में नौकरी पा गए वो बहुत ख़ास लोग हो गए, तो लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया। जिसको अंग्रेज़ी आ गई वो बड़ा साहब हो गया। इससे पहले फारसी, मुसलमानों के राज में फारसी सरकारी भाषा थी, वो जो फारसी पढ़ जाता था वो बड़ा आदमी हो जाता था। उससे पहले कभी संस्कृत थी, संस्कृत का जो संस्कृत के विद्वान होते थे। तो इस तरह से हमारी जो देसी भाषाएं थीं वो कभी उनको महत्व दिया ही नहीं गया। संस्कृत मर इसलिए गई कि उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया लोगों को। अब ये जो स्थिति बनी है आज इंग्लिश मीडियम की, आप देखें कि एशिया में, पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में लोग अपनी मातृभाषाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं। सिर्फ हिंदी और हिंदी के अलावा हमारी जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं वो सारी पिछड़ी जा रही हैं, क्योंकि वो ज्ञान की भाषाएं नहीं रहीं। सारा ज्ञान, चाहे वो बंगाल के विश्वविद्यालय हों, चाहे वो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय हों, कॉलेजेस हों, या हिंदी के इलाके के विश्वविद्यालय हों, सारे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होती है। सारे सेमिनार इंग्लिश में होते हैं, सारे रिसर्च पेपर्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और जो इंग्लिश में नहीं लिखे जाते वो बहुत ही साधारण और घटिया समझे जाते हैं। तो ये स्थिति पैदा कर दी है कि आज 75 साल हो गए हमारी देसी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ज्ञान नहीं दिया जा रहा। अगर ये ज्ञान की भाषा नहीं है तो इसका मतलब ये अज्ञान की भाषा है। तो हमारी भारतीय भाषाएं बजाय ज्ञान की भाषा बनने के अज्ञान की भाषाएं बन गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी को लेकर के क्या बात करेंगे? बच्चे बचपन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में रट रहे हैं, और रटी हुई भाषा में रटे हुए विचार ही आते हैं। यही कारण है कि पिछले 75 साल में भारत की आज़ादी के बाद भारत में नोबेल प्राइज तो छोड़िए, कोई विश्व स्तरीय अनुसंधान तक नहीं हुआ, कोई विश्व स्तरीय खोज नहीं हुई। तो इंग्लिश मीडियम वाले कर क्या रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले सुपीरियर माने जाते हैं, इसलिए हमारी देसी भारतीय भाषाओं की या हिंदी की कोई अहमियत नहीं रह गई है। तो इसलिए हिंदी, और बच्चों को हिंदी आती नहीं, मात्राएं लगाना नहीं आती, संयुक्त अक्षर लिखना नहीं आते हैं, वो रोमन में लिखना पसंद करते हैं। तो ये स्थिति हिंदी की बनी हुई है। सर एक सवाल है, बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं हमारे। एक सवाल है जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, कि ये तमाम जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, लिखते हैं, लिखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लेखक बने, कवि बने, लेकिन वो क्विक रहते हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ ऐसी लाइन फटाफट लिख दें जो वायरल हो जाए और लोग उनको सेलिब्रिटी बना दें। तो ये दुविधा इसलिए आ गई है कि ज्ञान प्राप्त करने में वर्षों लगते हैं, किसी कला को सीखने में वर्षों लगते हैं। और ये आपसे मैं कहूँ कि आप मेरा पोर्ट्रेट बना दीजिए, तो आप कहेंगे मैंने सीखी नहीं है, पेंटिंग नहीं आती मुझे। मैं कहूँ तो भरतनाट्यम दिखा दीजिए, तो आप कहेंगे वो भी नहीं सीखा। फिर मैं कहूँगा सितार बजा दीजिए, वायलिन बजा दीजिए, तो जवाब यही होगा ना कि मैंने सीखा नहीं। लेकिन उनको लगता है कि भाषा तो उनको आती है और कविता भाषा में लिखी जाती है, तो वो कविता लिख देंगे। तो कविता अगर कला है तो उसे तो सीखना पड़ेगा ना, और अगर वो दूसरी कलाओं से ऊपर है, अगर वो
तबला बजाने से, डांस करने से, पोर्ट्रेट बनाने से कुछ अलग तरह की कला है और जिसमें विचार होते हैं। तो उस स्तर पर सीखने के लिए आप पेंटिंग कितने साल लगाते हैं सीखना? पेंटिंग का जो कोर्स होता है वो कम से कम 4 साल का होता है, उसके बाद भी पेंटर नहीं बन पाते। नृत्य का कितने साल का होता है, संगीत का कितने साल का, लेकिन कविता का कोई कोर्स ना होता है ना हो सकता है। भाषा पर तो ये जिसमें जिन कलाओं में बरसों लगते हैं उसको बच्चे चाहते हैं कि भाषा सीखते ही लिखने लगें, तो वो तभी संभव होगा जब वो उस पर बरसों कुछ काम करेंगे। अगर कविता से प्रेम है तो बरसों लगेंगे उन्हें कुछ बहुत अच्छी कविताओं को पढ़ते हुए, उन्हें याद करते हुए, अपनी स्मृति में लाते हुए, तब वो कविता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारे जो गैजेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया है, उससे ये होता है कि तुरंत लिखा, तुरंत छपा और तुरंत ही पढ़ लिया गया। तुम्हें लगता है तुरंत सारा काम हो जाना चाहिए, तो उसके पीछे जो अनुशासन है सीखने का जिसमें बरसों लगते हैं वो गायब हो रहा है। इसलिए उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने अपने अपने क्लब बना लिए हैं जिसमें 100, 150 या 250 लोग होते हैं। वो एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने कविता लिखी, आज लिखी, अभी डाली, अभी उस पर 150 लाइक आ गए। और जिन्होंने लाइक किया है, अब हमारा कर्तव्य है कि जब वो कविता लिखें तो हम उनको लाइक करें, तो एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं। इस ग्रुप में अगर 2-4 ऐसे लोग आ जाते हैं जो कम लाइक करते हैं, उनको अनफ्रेंड कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा क्लब बन जाता है छोटा सा, जिसमें लोग एक दूसरे को लिखते रहते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन फिर ये बात ज़रूर है कि अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना है कविता को लेकर के, तो एक दूसरे को लाइक करने की बजाय दुनिया में, दुनिया की तमाम भाषाओं में, अपनी भाषा में जो सबसे अच्छी कविता लिखी गई है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि ऊंचा कूदने का रिकॉर्ड 20 फीट का है और आप घर में 4 फीट कूद रहे हैं, और ऐसे लोग मिल गए हैं जो कोई 4 फीट, कोई 3.5 फीट, कोई 4.5 फीट, और सब एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब घर में बच्चा 2 फीट कूद लेता है, तुम कहते अरे बेटा शाबाश शाबाश, गोद में उठा लेते हैं, बहुत अच्छा कूद रहा है। तो हम ऐसे बच्चों में बदल गए हैं जो कह रहे हैं शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, अद्भुत, ज़ोरदार, धारदार, ज़बरदस्त, और सब इसी में आनंद ले रहे हैं। तो ये स्थिति है हिंदी। तो मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अभी सर ने जो बात बताई है वो उस पर अमल करेंगे, मानेंगे। और अभी हमने नरेश सर से बात की, उनकी कविताएं सुनी। ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सर। ओके, चलिए सर, अब कविता एक। कौन सी कविता? पुल पार करने से। पुल पार करने से, ओके। कितने लोग जुड़ गए थे आपके यहाँ? सर लगभग 250 लोग। हाँ, 250 लोग इतनी जल्दी जुड़ गए? सर दीपाली की फॉलोअर बहुत ज्यादा है। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया। अरे वाह, ये तो 250 लोग इतनी जल्दी जुड़ गए, ये तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा, इसमें आप फिर क्या करेंगी? सर मैंने पोस्ट कर दिया है। पोस्ट कर दिया, इसमें कविता तो आई नहीं, आई है कोई? जो आपने बीच में पढ़ी थी ना एक? अच्छा, शिशु लोरी के शब्द नहीं, वो आ गई है। अच्छा अच्छा अभी मैं यूं बातें बहुत जरूरी जो आपने बातें बहुत जरूरी की सर, फिलहाल ये आप कर दीजिए कविता एक और। मैं कविता कर दूं? आप बोल रहे हैं। आपके शॉर्ट बना देता हूं। 250 लोग रह गए। अब छाई आपने कहा ना, तो ये अंधेरा है जो सवाल भी आ गए थे सर कई सारे, पर मेरे को लगा आपको भूख लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो कविता, ये कविता है पार जी। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती।
नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है, लोहा लंगड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती।